प्रयागराज में अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुई। इस मौके पर मां भारती और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में देश भर से आए हुए बच्चों का संगम हुआ। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बच्चों में संस्कृति एवं संस्कार को विकसित करने में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का प्रयास सराहनीय रहा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चों को योग एवं संस्कृति और संस्कार की शिक्षा दी जानी चाहिए। देश की बहुमुखी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के भविष्य के लिए आज से ही जल व पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना होगा। इस मौके पर अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष यतीन्द्र प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी भी मौजूद रही। विद्या भारती ने संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है कि संस्कृति युक्त नागरिक का जीवन निर्माण होना चाहिए ताकि उसमें मनुष्यत्व के गुण विकसित हों। इसीलिए हम विद्यालय से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक इसका प्रयत्न करते हैं बच्चों में सांस्कृतिक गुणों का विकास हो। ये बच्चे विद्यालय से जीतते हुए अपने अपने स्थान से प्रांत क्षेत्र केंद्र तक आए हैं। उसका ये संस्कृति महोत्सव के नाम से कुछ वर्षों से ही हमने ये आयोजन प्रारंभ किया है। कुछ और इसमें बातें जोड़ेंगे आगे चलकर। जो कार्यक्रम हमेशा कुरुक्षेत्र में होता था वो पहली बार प्रयागराज में हुआ और उससे बड़ा सौभाग्य कि हम सब की गार्जियन के रूप में और जो संस्कृति को और मातृशक्तियों को और बेटियों को और खासकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दे रही हैं वो मुख्य अतिथि बनकर हमारी राज्यपाल महोदया यहाँ पर आई और उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन भी दिया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे जिले के बच्चे आए हैं और उन बच्चे जिस तरह से उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो यहाँ पर अपने प्रतिभाओं को दिखाएंगे। किसी को लिखने का प्रतिभा है, किसी को बहुत आर्ट उनकी अच्छी है, कोई खेलकूद में प्रतिभावान है, तो सभी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और एक अच्छा माध्यम है कि बच्चों की प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म मिलता है।